श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। भारतीय चिंतन में, साधना पद्धति में और परंपरा में स्तवन और स्तुति का बहुत लंबा इतिहास है। स्तुति करते हैं और स्तुति पर हजारों ग्रंथ लिखे गए, बहुत स्तोत्र लिखे गए। जैन परंपरा में भी बहुत स्तुति स्तोत्र है, वैदिक परंपरा में भी बहुत है और बौद्ध परंपरा में भी बहुत है। संस्कृत में लिखे गए, प्राकृत में लिखे गए, अनेक भाषाओं में लिखे गए। किंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि आदमी को स्तुति अपनी ही करनी चाहिए, दूसरे की स्तुति नहीं करनी चाहिए। अपनी ही स्तुति करे, और अपनी स्तुति का अर्थ है कि अपनी चेतना का जागरण। जिसकी स्तुति कर रहे हैं वह तो हमारे भीतर है, आत्मा से अधिक कोई स्तोत्य नहीं है। जिसकी स्तुति करनी चाहिए वह तो आत्मा है, आत्मा हमारे भीतर है। उसे आत्मा कहो, परमात्मा कहो, कुछ भी कह दो, तो उससे अधिक कोई स्तुति करने का कोई पात्र नहीं होता। अगर हम स्तुति का उद्देश्य पकड़ लें तो फिर स्तुति बहुत सार्थक हो जाती है, और वह उद्देश्य है प्रज्ञा का जागरण। प्रज्ञा का जागरण, हमारी दुनिया में, पूरे विश्व में बौद्धिक विकास बहुत हो रहा है। अतीत में भी था, आज बहुत अधिक हो रहा है। किंतु हमने देखा कि बौद्धिक विकास समाज की समस्या को सुलझाने वाला नहीं, पूरा नहीं सुलझाता है। बुद्धि भी बहुत काम की है और उसके बिना कोई काम ही नहीं होता, किंतु बुद्धि से भी आगे कुछ है। हमारी चरण बुद्धि की सीमा तक रुक जाते हैं, आगे दूसरे राष्ट्र की सीमा आ जाती है और उसका पासपोर्ट भी नहीं है, वीजा भी नहीं मिल रहा है। उसका वीजा मिल जाए कि बुद्धि से अगली दुनिया में हमें जाना है, तो एक समस्या का समाधान है, और वह है प्रज्ञा। प्रज्ञा हम समझने का प्रयत्न करें कि बुद्धि और प्रज्ञा में अंतर क्या है। सारी दुनिया में जितना विकास है वह बुद्धि का विकास है, किंतु सारा नहीं कहना चाहिए। बुद्धि का विकास है, उसका हिस्सा शायद 50% से ज़्यादा नहीं है, कम भी हो सकता है, और कुछ हिस्सा, अगला हिस्सा सारा प्रज्ञा का है। जिन व्यक्तियों की अंतर्दृष्टि जाग गई उससे बहुत काम हुआ है। मैं चिकित्सा पद्धति को देखता हूं, हिंदुस्तान की प्रमुख रही आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति, विकास कैसे हुआ? बुद्धि से नहीं हुआ, प्रज्ञा से हुआ है। चाहे चरक, चाहे धन्वंतरी, कोई भी महर्षि थे, और वे पेड़ के पास जाकर और ध्यान में बैठ जाते और कहते तुम अपनी विशेषता बता दो, और सारी विशेषताओं का उनको पता लग जाता। न कोई प्रयोगशाला थी, न कोई प्रयोगशाला का वैज्ञानिक था परीक्षण करने वाला, बस उनकी अंतर्दृष्टि ही प्रयोगशाला बनी और इतना विकास कर लिया
कि द्रव्यों के गुण धर्मों को उन्होंने जान लिया। होम्योपैथी का प्रवर्तन हुआ, कोई पढ़ाई के साथ नहीं हुआ। हेनीमैन जिसने प्रवर्तन किया उसने देखा कि एक हरिणी है और रोज उस झरने के पास आती है और थोड़ी देर ठहर कर चली जाती है। उसका अध्ययन किया तो पता लगा कि पैर लंगड़ा रहा था, पैर में चोट लग गई, झरने के पास आती और पानी का प्रयोग करती और चली जाती, कुछ दिनों में ठीक हो गई। वह एक प्रेरणा मिली और विकास हुआ। चाहे दर्शन का क्षेत्र, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र, ये सब बौद्धिक लोगों के द्वारा प्रवर्तित नहीं है। बड़े बड़े बुद्धिमान हुए हैं पर दुनिया उनका अनुसरण करती है जो प्रज्ञावान थे। चाहे रामकृष्ण को ले, चाहे महावीर और बुद्ध को ले, चाहे शंकराचार्य नानक इनको ले, ईसा मसीह को ले, मोहम्मद साहब को ले, सब लोगों ने तप तपा था, प्रज्ञा का जागरण किया था। कोई पढ़ाई से वे नहीं बने, उनका अनुसरण सारे पढ़े लिखे लोग कर रहे। बुद्धि का काम है निर्णय करना, निश्चय करना। प्रज्ञा का काम है सूक्ष्म सत्य को खोजना। सूक्ष्म सत्य की खोज एक वैज्ञानिक भी करता है, प्रज्ञा से करता है और इतना एकाग्र होता है कि शायद योगी भी संभव है कि होता है कि नहीं होता। हम ये जानने का भी प्रयत्न करें कि प्रज्ञा का जागरण कैसे होता है। बुद्धि का विकास विद्यालय में जाने से होता है, पढ़ाई से होता है। आदमी पढ़ता है, विकास हो जाता है, पर प्रज्ञा के लिए तो कोई न तो विद्यालय है और न विद्यालय में जाने से उसका अध्ययन होता। प्रज्ञा का विकास कैसे हो सकता है, उन सूत्रों पर विचार करें और सबको करना है। तो मैं मानता हूँ प्रज्ञा के जागरण का पहला उपाय है उपशम। उपशम यह प्रज्ञा के जागरण का पहला उपाय है। क्रोध, अहंकार, छलना, प्रवंचना, माया, कपट, लोभ, ये सारी आवेश पैदा करने वाली, और बुद्धिमान आदमी भी इन आवेशों से आविष्ट होता है। और लड़ाई झगड़ा दुनिया में जितना है शायद मूर्खों के द्वारा कम होता है, बुद्धिमानों के द्वारा ज़्यादा हो रहा है। तो बुद्धि तो लड़ाने वाली है, वह समाधान कैसे करेगी। और पढ़ा लिखा आदमी कहता भी है कि तू क्या जानता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, एक गर्व के साथ कहता है कि तू तो मूर्ख है, मुझसे जिद कर रहा है, तू जानता क्या है, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। कभी कभी माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते और बेटे बहुत पढ़ जाते हैं तो उनके सामने भी कह देते हैं कि तुम तो पढ़े लिखे नहीं, तुम क्या जानते हो। उनके सामने भी कहते हैं, दूसरों के सामने भी बड़े गर्व के साथ कह देते हैं। तो अहंकार भी प्रबल हो जाता है। इस स्थिति में प्रज्ञा का जागरण नहीं होता। प्रज्ञा का जागरण किसी को करना है, उसका रास्ता बता रहा हूँ। पहला रास्ता है उपशम की साधना। उपशांत, कसाय उपशांत, क्रोध, मान, माया, लोभ सब उपशांत रहे, उत्तेजना न आए। एक क्षण के लिए भी उत्तेजना आती है और हमारे दिमाग के जो कनेक्शन है, सारे न्यूरॉन के कनेक्शन गड़बड़ा जाते हैं और एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हमारे सारे जो विद्युत पथ हैं दिमाग के, वे लड़खड़ा जाते हैं।
एक बार का आवेश, एक बार की उत्तेजना मस्तिष्क को भारी हानि पहुंचाती है। फिर प्रज्ञा का जागरण कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जिसको प्रज्ञा का जागरण करना है, जागरूक रहना होगा कि सदा मस्तिष्क उपशांत रहे। मस्तिष्क के जितने खंड हैं, प्रकोष्ठ हैं, और जितने न्यूरॉन्स हैं, जितने उनके संबंध हैं, कहीं भी कोई हम बाधा न पहुंचाएं। जिस व्यक्ति ने उपशम की साधना अच्छी की है, मैं निश्चित कह सकता हूं कि उसमें प्रज्ञा का जागरण अवश्य होगा। प्रज्ञा का जागरण हो सकता है उपशम की साधना के साथ। एक उपशम का भी अपना रंग है। उपशम बहुत बड़ी बात है, और आज यदि समाज में उपशम का विकास हो तो काफ़ी परिवर्तन आ सकता है। ये सारी जो समस्याएं हैं, ये उत्तेजना और आवेश के कारण होती है। परिस्थिति कभी लड़ाती नहीं है, परिस्थिति की अपनी प्रक्रिया है कि परिस्थिति व्यक्ति को उत्तेजित करती है, और उत्तेजित व्यक्ति लड़ने झगड़ने में चलता है। हम उपशम की साधना, उपशम का एक अपना रंग होता है, उसको चाहे अनेक भाषा में कहा गया, किसी ने कबीर ने कहा प्रेम, किसी ने कहा वात्सल्य, किसी ने कुछ कहा, बात एक ही है, अंतर है, हम समझने का प्रयत्न करें। एक कहानी के द्वारा इस बात को मैं स्पष्ट करूं कि राजा अपने गवाक्ष में बातायन में बैठा था, नीचे से एक व्यक्ति निकला, रंगरेज, जो पगड़ियों को रंगने वाला, उसके सिर की पगड़ी देखी और राजा को बड़ा अच्छा लगा। उसको बुलाया, बुला कर कहा, तू बड़ा कुशल, किसने रंगी के मैंने, बड़ा कुशल है, हमारी पगड़ी भी तुम रंग। ठीक है, राजा का आदेश था, पगड़ी रंग कर लाया। राजा ने कहा वैसी नहीं, और करो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, दसवीं करता चला गया, 50 पगड़ियां रंग दी। राजा ने कहा वह रंग नहीं आया। तब आखिर रंगरेज बोला, हजूर वह तो आएगा ही नहीं, क्यों? वह पगड़ी मैंने मेरे मित्र के लिए रंगी थी, उसमें प्रेम का रंग था, और आपकी पगड़ियों पर पैसों का रंग है, तो वह कैसी होगा, वह हो नहीं सकता। ये प्रेम का रंग, चाहे प्रेम कहो, चाहे श्रद्धा कहो, आस्था कहो, उपशम, उपशांत रहें, हर स्थिति में हम शांत रहें, उत्तेजित न हो। जिस व्यक्ति ने यह अनावेश की साधना की है, आवेश नहीं, आविष्ट नहीं होता, अनावेश की साधना और उपशम की साधना की है, उस व्यक्ति में प्रज्ञा का जागरण हो सकता है, और वह प्रज्ञा वह बुद्धि से ऊपर की बात है, जिसमें अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, सूक्ष्म सत्यों का ज्ञान होता है, वह न पढ़ाई से होता न और कोई होता। मैं तो मानता हूँ कि आइंस्टीन को, न्यूटन को, या और भी अनेक वैज्ञानिक मेरे सामने हैं, उन्होंने बुद्धि के आधार पर काम किया, ये मानेंगे तो हमारी सच्चाई नहीं होगी। सच्चाई यह है कि उन्होंने प्रज्ञा के बल पर काम किया था। प्रज्ञा, मैं आइंस्टीन को देखता हूँ, उनके जीवन को जब पढ़ता हूँ, एक ऋषि से कम जीवन नहीं था उनका। नौकर आया, पत्नी आई, दोनों आए, पहली पत्नी आई, आकर बोली कि आपने किस नौकर को रखा है, बेहुदा आदमी है, निकम्मा है, आलसी है, काम कुछ करता नहीं है। बहुत तेजी के साथ कहा, सुन लिया, इतने में नौकरी सुन रहा था। वह पत्नी गई, नौकर आया और बोला कि सर मैं तो सब कुछ करता हूँ, पर मालकिन ऐसी है कि इनका स्वभाव बड़ा तेज है, कभी गुण लेती नहीं है। आइंस्टीन ने कहा ठीक कह रहे हो, पत्नी से भी कहा तुम ठीक कह रहे हो, और उसे भी कहा तुम ठीक कह रही हो। पत्नी फिर आई, आखिर बोली यह क्या,
मैं कहती हूँ वह भी ठीक है, और वह कहता वह भी ठीक है। आइंस्टीन ने कहा दोनों की बात ठीक है, बस दोनों को शांत कर दिया, झगड़ा नहीं बढ़ा। कोरा वैज्ञानिक नहीं था, कोरा बौद्धिक नहीं था, अंतःप्रज्ञा जागृत थी और इसलिए वह कभी उत्तेजित नहीं होता। मैंने देखा है अनेक लोगों को देखा कि जिनमें कभी उत्तेजना नहीं देखी, उनमें अंतर्ज्ञान हुआ है, अंतर्दृष्टि का विकास हुआ है, वह कभी बौद्धिक विकास के द्वारा हो नहीं सकता, संभव नहीं है। सुकरात जो बहुत बड़ा दार्शनिक और आज पश्चिमी दार्शनिकों में, यूनानी दार्शनिकों में जिसका पहला स्थान, मुख्य स्थान है, इतना उपशांत था, इसीलिए इतना बड़ा तत्ववेत्ता बना, अंतर्दृष्टि वाला बना। पत्नी बड़ी तेज थी, सुकरात तत्ववेत्ता था, चर्चा में लग जाता, देरी से आता। एक दिन बहुत देरी हो गई, पत्नी गुस्से में आ गई, आते ही खूब गालियां बकी कि कितनी बार कह दिया तुम समय पर नहीं आते हो। गालियां बकी, आवेश इतना प्रबल हो गया। जब आदमी का आवेश प्रबल होता है तो पहले तो मुंह से कुछ निकलता है, फिर हाथ से निकलता है, पता नहीं आगे कब क्या हो जाता है। तो पास में पानी की बाल्टी पड़ी थी, उठाई और सिर पर डाल दी। सुकरात हंसे और बोले बहुत अच्छा किया, क्योंकि बादल पहले गरजता है फिर बरसता है, अच्छा किया तो। सारा वातावरण शांत हो गया। आप दुनिया के किसी भी प्रज्ञावान पुरुष का जीवन चरित्र देखें तो आपको मिलेगा कि उसने उत्तेजना से काम नहीं किया, कभी आवेश में नहीं आया। और आवेश कर प्रज्ञा का विरोध है, बुद्धि का विरोध नहीं है। बुद्धिमान तो बहुत आवेश में आते हैं, बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है, उनके आवेशों को देखा है, उनको लड़ते झगड़ते देखा है और भी आगे भी देखा है। पर प्रज्ञावान कभी आवेश में नहीं आएगा। प्रज्ञा का पहला लक्षण है अनावेश, उपशम, और प्रज्ञा जागरण का पहला साधन है उपशम। उपशम होगा। दूसरा, प्रज्ञा जागरण का साधन है विधायक दृष्टिकोण। जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण विधायक होता है, पॉजिटिव होता है, उसमें प्रज्ञा जाग सकती है। नकारात्मक दृष्टि वाले में कभी प्रज्ञा का जागरण नहीं हो सकता। हम अनेक महापुरुषों के जीवन को पढ़ें। भगवान महावीर को संगम कष्ट दे रहा है और महावीर साधना काल में है, सोच रहे हैं कि देखो बेचारे का नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। इधर तो वह कष्ट दे रहा है, उधर करुणा की वर्षा उस पर कर रही है। प्रज्ञा का जागरण हो सकता है। आचार्य भिक्षु जा रहे थे, रास्ते में एक आदमी मिला और उसने नमस्कार किया और फिर देखा कि कौन हो तुम, भिखंडी हो, तेरा पंथी कहाँ वही हो। बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह देख लिया, मुझे नरक में जाने पड़ी, नरक में जाना पड़ेगा। आचार्य भिक्षु मुस्काए, नहीं तो गुस्सा आने का तो बहुत बड़ा, उत्तेजना आने का तो बहुत बड़ा कारण था। पर आचार्य भिक्षु एकदम हंसे और बोले भाई मैं तो ऐसा नहीं मानता, पर तेरे सिद्धांत के अनुसार मेरा तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने पूछ लिया, तेरा मुंह देखने वाला आवेश में कह दिया, मेरा मुंह देखने वाला स्वर्ग में जाता है। तो आचार्य भिक्षु ने कहा कितना अच्छा हुआ कि मैंने तेरा मुंह देखा, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, तूने मेरा देखा, अब तू जाने नरक में जाना, मैं तो नहीं मानता पर तू कहता नरक में जाऊंगा। सारे वातावरण को बदल दिया। मैंने कुछ चतुर व्यक्तियों को भी देखा है, जो वाक चतुर होते हैं वे कभी आवेश में नहीं आते, उनमें भी प्रज्ञा जाग जाती, अंतर्दृष्टि। इस प्रसंग में बीरबल की एक बात आपको सुनाऊं कि बादशाह और बीरबल दोनों जा रहे थे जंगल की सैर करने। अब जब बीरबल पास में होता तो बादशाह के मन में गुदगुदी पैदा हो जाती, बोला बीरबल आज मैंने एक सपना देखा रात को। आया होगा, क्या देखा? कि हम दोनों जा रहे थे, जाते जाते दो कुंड आ गए, एक अमृत का था और एक कीचड़ का था।
तो मैं तो अमृत के कुंड में गिरा, तू कीचड़ के कुंड में गिरा। बीरबल बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे, मैंने भी रात को सपना देखा था। क्या देखा? तूने क्या देखा? मैंने ये देखा, आप कहते इतनी सत्य बात है, हम दोनों निकले, आप मुझे चाट रहे थे, मैं आपको चाट रहा था। विधायक दृष्टिकोण होता है, कभी उत्तेजना में नहीं जाता, आवेश में नहीं जाता। और यह विधायक दृष्टिकोण प्रज्ञा जागरण का बहुत बड़ा माध्यम बनता है। मैं देखता हूँ, पता नहीं क्यों बहुत लोग नकारात्मक दृष्टि में चले जाते हैं, बहुत क्या बहुत बहुत, और इसी कारण वे समस्याओं से घिरे रहते हैं और दुख पाते रहते हैं। कितने लोग हमारे पास भी आते हैं, हम उन्हें यही समझाते हैं, तुम अगर स्वस्थ होना चाहते हो, तुम शांति से रहना चाहते हो, जीना चाहते हो, तो सबसे पहले नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलो और विधायक दृष्टिकोण का विकास करो। यह प्रज्ञा के जागरण का बहुत बड़ा साधन है, विधायक दृष्टिकोण का विकास। तीसरा साधन है संयम। पहला उपशम, दूसरा विधायक दृष्टिकोण और तीसरा संयम। संयम भारतीय लोगों ने भी, और कहूं तो धार्मिक लोगों ने भी, संयम को मूल्य कम दे, जबकि संयम का मूल्य बहुत ज्यादा है। और मैं तो मानता हूं, जहां संयम की साधना नहीं है, वहां धर्म की साधना भी छलना और प्रवंचना बन सकती है। सबसे पहली बड़ी बात है संयम की साधना, और संयम की साधना में संयम का अर्थ आचार्य तुलसी ने बहुत सुंदर किया है कि इंद्रिय मनो निग्रह, इंद्रिय का निग्रह और मन का निग्रह। इसके साथ बहुत सारी बातें आती है, वाक संयम। यदि वाणी का संयम विकसित हो जाए, तो चाहे तो राजनीति का क्षेत्र है, चाहे समाज का क्षेत्र है, चाहे धर्मस्थानों का क्षेत्र है, धर्म गुरुओं का संबंध है, अगर वाक संयम का विकास हो जाए, तो आप निश्चित माने कि 50% लड़ाइयाँ तो अपने आप बंद हो जाएगी। लड़ाई का बड़ा कारण वाणी की उच्छृंखलता है, मन में आते हैं वैसे बोल देते हैं, और राजनेता इसमें बहुत आगे, पहली भूमिका राजनेताओं की आज, और पहले तो बोल देते हैं, कह देते हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया था, प्रेस वालों ने ऐसा कर दिया, बदल दिया, और फिर बात को वैसे करना पड़ता है, आवेश में पता नहीं लगता। अगर वाणी का संयम, एक संयम, वाणी का संयम इसका विकास हो जाए, तो लड़ाई झगड़े भी कम हो और प्रज्ञा को जागृत होने का मौका मिलेगा।